राजकुमार संतोषी की फिल्म घातक साल 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता पाई थी। फिल्म में कई बड़े सितारे नजर आए थे। इस फिल्म में सनी देओल के साथ मीनाक्षी सिसादरी नजर आई थी, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो पहले इस फिल्म में रवीना टंडन को भी लिया गया था। रवीना ने 10 दिन की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन इसके बाद रवीना को फिल्म से बाहर कर दिया गया था। इस फिल्म में अंजन श्रीवास्तव धामू के रोल में नजर आए थे। फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा थे। अंजन श्रीवास्तव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो डायरेक्टर तीनू से डरते थे। वो कब क्या कह दे और कब क्या कर दे कोई नहीं जानता था। मुंबई के वर्सोवा में घातक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहाँ पर एक गहरा और बड़ा कुआं था। फिल्म के एक सीन में सबको कुएं में फेंका जाना था, लेकिन अचानक डायरेक्टर तीनू ने अंजन श्रीवास्तव के पैर पकड़े और उन्हें कुएं में उल्टा लटका दिया। अंजन ने बताया कि उनकी जान ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो चिल्ला लाते रहे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। राजकुमार संतोषी भी मौके पर मौजूद। राजकुमार संतोषी ने अंजन से कहा कि कुछ नहीं होगा, टीनू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बस तुम सोट दो और थोड़ा छटपटाओ। हालांकि अंजन की सांसें अटकती जा रही थी कि वो कहीं कुएं में ना गिर जाएं। अंजन बताते हैं कि ये पूरा वाक्य वो कभी नहीं भूल पाते हैं।